स्टूडेंट्स, गेट 2020 के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें ये मेरा फोर्थ लेक्चर है और इसमें मैं आज प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ओके, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आई होप कि वो सारे आपने अच्छे तरीके से खुद सॉल्व किए होंगे वापस, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं उनको एक बार तो क्लास में अटेंड करते टाइम सॉल्व करना है, ठीक है, और आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन आपको फिर से उनको एक बार सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। काइंडली रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट इन योर नोटबुक एंड देन चेक योर आंसर विद माय सॉल्यूशन। Okay, so now I am going to explain the question here. First of all, I am shifting this problem to this side. So there are three bags B1, B2 and B3. Okay, हमारे पास तीन bags हैं, एक bag B1 है और एक B2 है और third bag जो है that is B3. तीन bag के हमने नाम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब ये जो थ्री बैग्स हैं इनमें कितने कितने बॉल्स हैं? द बैग B1 कंटेन फोर रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स। ओके, बैग B2 कंटेन 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स, बैग B3 कंटेन फोर रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। ओके, नाउ बैग्स B1, B2, B3 है प्रोबेबिलिटीज 3/8, 3/8 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली ऑफ बीइंग चूजन। मतलब आप बैग B1 को सेलेक्ट करोगे, आपके सामने थ्री बैग्स हैं, उसमें से पहले आप एक बैग को डिसाइड करोगे, ठीक है। तो बैग B1 को आप चूज करोगे उसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/8 और बैग B2 का 3/8 और बैग B3 का 1/4। ओके, सो पहले जब हम बैग सेलेक्ट करने जा रहे हैं, कोई बैग चूज करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, देखो कि बैग B1 हमने चूज किया या बैग B2 हमने चूज किया या बैग B3। ये हमने कोई तीन इवेंट यहां पे बना ली, B1, B2, B3 इवेंट्स का मतलब है कि बैग B1 को सेलेक्ट किया, B2 को सेलेक्ट किया, B3 को। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम इस ब्रांच के पास में लिख देंगे, तो B1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/8, B2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 और जो B3 है उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ओके, नाउ सपोज हमने B1 बैग चूज कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम दैट बैग। जो भी बैग हमने सेलेक्ट किया होगा उसमें से हम एक बॉल ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है ना यहाँ पे नीचे, ए बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग, ठीक। अब इसमें जो हम बॉल चूज करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो क्वेश्चन जो बने हुए हैं हमारे ऑप्शंस वो उनके कलर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। ग्रीन बॉल इसमें मेंशन है ना, इस तरीके से कलर, तो कलर के टर्म्स में अगर हम सोचते हैं तो जो एक बॉल हम चूज करेंगे इस बैग B1 में से वो या तो ग्रीन हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, वो रेड हो सकती है, क्योंकि दो ही कलर की बॉल्स अंदर है। सिमिलरली अगर हम बैग B2 सेलेक्ट करने के बाद उसमें से एक बॉल को सेलेक्ट करेंगे तो बॉल कैन बी ग्रीन और रेड, या तो ग्रीन होगी या फिर रेड होगी, ठीक है। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सिचुएशन यहां पे बनेंगी, और दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सिचुएशन यहां पे बनेंगी, और सेम केस यहां पे रहेगा अगर हम बैग B3 को पहले सेलेक्ट करते हैं, बॉल ग्रीन हो सकती है या फिर बॉल रेड हो सकती है, ठीक है। अब हमें इन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी यहां पे मेंशन करनी है, ठीक। तो इस ब्रांच में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या होगी, उसको सिंबोलिकली अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे P G/B1। G/B1 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने बैग B1 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, हमारे पास बैग B1 है, अब उसमें से बॉल जो हम ड्रॉ करेंगे वो ग्रीन निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी। अब B1 में जो ग्रीन बॉल है वो है 5, ठीक है, और टोटल बॉल कितनी बनेगी, 5 + 4 = 9, ठीक है। अब देखो यहां पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि जो बॉल सेम कलर की है वो डिफरेंट है, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेम कलर भले ही है बॉल्स का बट आपको उनको डिफरेंट बॉल की तरह ट्रीट करना है। अगर आइडेंटिकल बॉल होंगी तो मेंशन करेंगे उस चीज को,
डिफरेंट को मेंशन नहीं करते, आपको डिफरेंट ही एज्यूम करके चलना है, ठीक। तो हमारे पास टोटल 9 डिफरेंट बॉल्स हैं बैग में, जिसमें 5 ग्रीन कलर की है और 4 रेड कलर की है। अगर हम एक बॉल ड्रॉ करें तो बॉल ग्रीन निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/9। तो यहां पे लिखेंगे 5/9, ठीक है, 5/9। ओके, सिमिलरली रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9। इसको यहां पे मेंशन करेंगे। अब मैं सिंबोलिकली नहीं लिख रहा हूं, आप खुद समझ सकते हो इसी तरीके से। इसको PR/B1 बोलेंगे यहां पे, ठीक है। अब PG/B2 कितना होगा? बैग B2 से ग्रीन कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/8, और बैग B2 से रेड कलर की प्रोबेबिलिटी 3/8। ओके, बैग B3 से ग्रीन बॉल ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/7, क्योंकि यहां पे टोटल बॉल कितना है? 7। यहां पे 9 था, इसमें 8 और इसमें 7, ठीक है। और रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/7। ये हमने एक ट्री डायग्राम बना लिया है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे आइए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? प्रायोरिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन, मतलब जो हमने बॉल चूज की है वो ग्रीन है, ठीक है। गिवन दैट, ये गिवन है कि जो सिलेक्टेड बैग है वो B3 है। तो इस इवेंट को हम कैसे लिखेंगे? चूजन बॉल जो हमारी है, दैट बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सिलेक्टेड बैग इज B3। इसको सिंबोलिकली अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे PG/B3 में लिखेंगे B3। जो हमें गिवन इवेंट होती है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन बॉल निकलने की? ऑलरेडी ये नोन है कि बैग B3 हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो देखो, B3 अगर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसमें से ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? यहां से देखो, गिवन दैट सेलेक्टेड बैग इज B3, तो B3 से ग्रीन बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है वो कितनी दिख रही है? 3/7। तो इसको लिखेंगे इक्वल टू 3/7, जबकि इन्होंने ऑप्शन में कितना दिया हुआ है? 4/7। तो जो ऑप्शन ए है वो तो इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ जो हमें ऑप्शन बी है उसको चेक करना है, इसी तरीके से COT को चेक करना है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन, जो हमने बॉल सेलेक्ट की है, ओवरऑल एक बॉल जो हमने निकाली है वो ग्रीन निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है। तो PG से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। PG का मतलब बॉल जो ड्रॉ की हमने ग्रीन की है। अब देखो, ग्रीन बॉल कितने तरीके से बाहर आ सकती है। अगर हमें ऐसे इस प्रॉब्लम में एक बॉल ड्रॉ करेंगे, वो बॉल ग्रीन निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ग्रीन बॉल कहां से निकलेगी ये भी तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? कि वो बैग B1 से निकली है या B2 से निकली है या B3 से निकली है, ठीक है। तो एक केस तो ये बन सकता है कि पहले B1 हमने सेलेक्ट किया होगा एंड उससे फिर ग्रीन बॉल निकली होगी, ठीक है। या फिर और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि पहले B2 सेलेक्ट किया एंड उससे ग्रीन बॉल निकली, या फिर पहले B3 सेलेक्ट किया एंड उससे फिर ग्रीन बॉल निकली, ठीक। तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी वो क्या आएगी, देखो इसमें हम जी मार्क करेंगे कहां कहां पे, जी जी और जी, तीन केसेस में हमें ग्रीन बॉल मिल सकती है। तो ये तीन ब्रांच यहां से स्टार्ट करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज को इस पूरी ब्रांच में आने वाली सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, सीधा तरीका होता है। तो 3/8 × 5/9, 3/8 × 5/9, ओके, प्लस उसके बाद सेकंड ब्रांच ग्रीन क्या हो सकता है? देखो यहां से पहले ये होगा B2 से बैक B2 सेलेक्ट किया एंड फिर ग्रीन बॉल निकाली, तो 3/8 × 5/8, 3/8 × 5/8, प्लस और लास्ट में एक पॉसिबिलिटी और है कि पहले बैग B3 सेलेक्ट किया एंड देन ग्रीन बॉल निकाली, तो 1/4 × 3/7, यहां पे 1/4 और इंटू में 3/7, ठीक है, इक्वल टू। अब इनमें सभी में से अगर मैं 3/8 को कॉमन लेता हूं, देखो तो 3/8 को कॉमन लेने पे यहां पे बचेगा 5/9, प्लस ये होगा 5/8, प्लस ये 3 बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब यहां पे 1/4 है तो इसको 2/8 कर सकता हूं ना, तो ऊपर 2 और नीचे बचेगा 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2/8 हो गया। अब 8 बाहर कॉमन लिया और 3 कॉमन लिया, तो 2/7 यहां पे बचा मेरा,
Clear. Now this equal to 3 upon 8 into अब इनका जो LCM लेंगे नीचे सबका वो कितना होगा LCM? ये LCM होगा आपका 9 into 8 into 7. 9 into 8 into 7 क्योंकि इनमें कोई भी common factor किसी का भी नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ पे 9 है तो ऊपर आ जाएगा आपका 5 into 56 plus यहाँ पे 8 है तो divide करने पे 5 into 9 into 7 5 into 63 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 7 है तो ये 2 into कितना हो जाएगा 7 है यहाँ पे तो ये 9 into 8 बचेगा 72 इसको यहाँ पे 72 लिख देंगे हम 2 into 72 अब हमें ये कैलकुलेशन बस करनी है और फिर हम अपने ऑप्शन को चेक कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1350 दिया हुआ है ऑप्शन बी में जबकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई 5 नहीं है तो डिनोमिनेटर में अगर कोई 5 नहीं है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 लाने के लिए प्रोडक्ट हमें उसमें एक 5 जरूर चाहिए और एक 2 जरूर चाहिए तो 2 तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8 से लेकिन 5 तो कोई है ही नहीं फैक्टर नीचे इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 तो बनेगा ही नहीं इसका मतलब ऑप्शन बी तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा. ओके, ये हमारा रॉन्ग आंसर है बट फिर भी हम इसके आंसर को कंप्यूट कर लेते हैं एक बार कि क्या आंसर बनेगा. तो उसके लिए क्या करना होगा हमें यहाँ पे सबसे पहले ये कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट है हमें इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से. अब ये देखिए क्या बनेगा कैलकुलेशन इसका 5 इंटू 56 कितना हो जाएगा 280. ओके, 5 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 बनेगा फिर 5 इंटू 63 315. ओके, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144. सबको ऐड करेंगे तो 9739 ये बनेगा हमारा. ठीक है, तो ओवरऑल हमें जो मिलेगा 3 अपॉन 8 इंटू 739 अपॉन में ये 9 इंटू 8 और इंटू 7. ओके, अब 3 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं नीचे हम 9 को तो इक्वल टू बनेगा हमारा 739 तो आ गया हमारा. देखो यहां पे भी है यहां भी आ गया लेकिन डिनोमिनेटर मैच नहीं करेगा आपका. ठीक है, इक्वल नीचे बनेगा 24 इंटू 56 क्योंकि 8 इंटू 3 24 और ये 56 इक्वल टू अब बस हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है. इसको मैं डिलीट कर देता हूं साइड से. ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है तो इक्वल टू 739 डिवाइडेड बाई अब 24 और 56 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1344. ओके, 1344 ये हमारा आंसर आ जाएगा यहां पे. ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 739 अपॉन 1350 तो गलत है आंसर हमारा. ठीक, अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं आंसर को कि वे जो प्रोबेबिलिटी दैट चूजन बॉल इज ग्रीन मतलब पीजी जो है ना वो हमारा आंसर आया है इक्वल टू 739 डिवाइडेड बाई 1344 ये आंसर है ऑप्शन बी का. तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट आंसर गिवन है. ओके, नाउ कम टू ऑप्शन नंबर सी. ये सारी कैलकुलेशन में आप डिलीट करने जा रहा हूं. ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी. प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट मतलब पी सेलेक्टेड बैग इज B3. ओके, जो बैग हमने सेलेक्ट किया था वो B3 था गिवन दैट चूजन बॉल इज ग्रीन. अगर मैं इसको ध्यान से पढ़ता हूं इस वाले सेंटेंस को तो इसके हिसाब से जो सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन आएगा वो ये आएगा भाई हमें नोन क्या है हमें ये गिवन है या नोन है कि जो बॉल हमने चूज किया वो क्या है ग्रीन कलर की बॉल है. ठीक है ना, और हमसे पूछा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो हमने निकाली होगी वो B3 से निकाली होगी. अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो ऐसे समझो दो फ्रेंड्स खड़े हुए ठीक
एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को सारा डाटा बता दिया, ठीक है, कि भाई ये सिचुएशन है, इतनी बैग हैं और इनकी ये प्रायोरिटीज है और इनमें इतनी इतनी बॉल्स है, ठीक। अब उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को बोला कि भाई आप अपनी आई क्लोज कर लो, ठीक। तो उस फ्रेंड ने आई क्लोज कर ली, ठीक, एक की ओपन है एक की क्लोज है, ठीक। अब जिसकी आईज ओपन है वो दूसरे से पूछता है कि भाई मैंने अभी इस बैग में से, यहाँ पे जो एक तीन बैग रखे हुए थे ना, मैंने अभी एक बॉल निकाली है बैग्स में से, ठीक, और वो बॉल जो मैंने निकाली है वो ग्रीन कलर की है, ठीक है, या मैंने उसको कहा कि जब एक फ्रेंड ने बॉल निकाली उस टाइम पे आई क्लोज थी, ठीक, बॉल निकाल ली उसने, तो जिसकी आई क्लोज थी वो ये नहीं देख पाया कि वो किस बैग से निकाल रहा है, ठीक है ना, और बॉल निकालने के बाद उसने कहा अपनी आई ओपन करो, उसको दिखा दिया कि भाई ये जो बॉल है, और बॉल कैसी निकली, वो ग्रीन निकली। अब उससे पूछा कि बता भाई क्या प्रायोरिटी है कि जो ये बॉल निकाली है मैंने, ये बैग B3 से निकली है। अब जिस फ्रेंड ने आई क्लोज की थी उसको ये तो नॉन हो चुका है कि बॉल तो ग्रीन आई है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता ना कि इसने जिसकी आई ओपन थी, इसने जो निकाली है वो किस बैग से निकाली है, तो वो अनुमान लगाएगा उसका, ठीक है, गैस करेगा कि यार क्या हो सकता है, इस बैग से निकालने की क्या प्रायोरिटी हो सकती है, यहां से निकालने की क्या प्रायोरिटी हो सकती है, उसी को हम कैलकुलेशन बोलेंगे अपने यहाँ पे जो चाहिए हमें, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम की प्रॉब्लम है, जब हमें कोई इस तरीके की सिचुएशन हो कि जो इधर इवेंट होती है वो नॉन हो, जैसे हमें पता है कि ग्रीन बॉल निकली है, ये जी हो चुकी है इवेंट, बट ये हुई किस रास्ते से है, इससे पहले B1 हुआ है कि B2 हुआ है कि B3 हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है बैक वाली। तो इस सिचुएशन में हम बेस रूल का यूज करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने लिखी और बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल PG, ये हमारा बेस रूल का फॉर्मूला होगा, इक्वल टू, अब यहां पे B3 इंटरसेक्शन G का मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल लिखेंगे, तो उसके हिसाब से पहले B3 मतलब बैग B3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय PG अपॉन B3, G अपॉन B3 का मतलब यहां पे है कि अगर B3 सेलेक्ट कर लिया बैग, उसमें से ग्रीन बॉल निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी, और डिवाइडेड बाय PG, यहां पे PG का मतलब है कि अगर पुरानी वाली जो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम, बी ऑप्शन बी में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, कि अगर सारा डाटा बताने के बाद सिर्फ ये पूछा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर रैंडमली हम एक बॉल निकालें, ठीक है, किसी बैग में से सेलेक्ट करके, तो वो बॉल ग्रीन निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, वो हमें यहाँ पे PG जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऑप्शन नंबर बी में, वो यूज कर सकते हैं डायरेक्टली हम, ठीक, इसलिए मैंने वहां पे कैलकुलेशन कंप्लीट किया था। अब इक्वल टू, सबसे पहले PB3 कितना होगा भाई, PB3 हमारा 1/4 है, बैग B3 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/4 इनटू PG/B3 कितना होगा, G/B3 मतलब बैग B3 से ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7 डिवाइडेड बाय 739 अपॉन में 1344, ओके, ये हमारा आंसर आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके ऑप्शन से मैच करते हैं कि यहां पे जो दिया हुआ है वो आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/3 अगर मैं इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करूं तो 3 × ये जो 1344 है न्यूमरेटर में चला जाएगा 1344 अपॉन नीचे 4 × 7 और इंटू में 739 ये बचेगा, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले 4 से कैंसिल करते हैं इसको न्यूमरेटर को तो 336 इतने टाइम्स जाता है, फिर हम इसको 7 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा 28 बचेगा 5 और 7 × 8 कितना होता है 56, तो ये बना 3 × 48 इक्वल टू 3 × 48 और अपॉन में 739 और इक्वल टू 3 × 48 कितना होता है 144 अपॉन 739। तो जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है यहां पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और उसके बाद डी ऑप्शन का आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं, अगर सिंगल चॉइस करेक्ट है तब तो ये ऑप्शन सी आंसर हो गया हमारा, बट स्टिल हम कैलकुलेट करेंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी के लिए भी, ठीक है। उसमें क्या कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बैग सेलेक्ट किया था B3 है एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन, भाई हमने इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग तो B3 हमने सेलेक्ट किया है एंड उसमें से जो बॉल निकाली है वो क्या है 3/25 है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक, मतलब दोनों इवेंट होनी चाहिए ये, तो दोनों इवेंट का मतलब पहले बैग B3 सेलेक्ट करेंगे तो 1/4 × और फिर उससे बॉल निकालेंगे वो ग्रीन निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 3/7,
तो ये इक्वल टू 3/28 आ जाएगा, और ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 3/25, तो ये इनकरेक्ट आंसर दिया हुआ है. ओके, सो फाइनली हमारा जो आंसर निकला इस प्रॉब्लम का, दैट इज सी ऑप्शन. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम. प्लीज सी द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक साइड में शिफ्ट कर देता हूं. यहां पे हमें एक्स और वाई कोई दो इवेंट हैं और हमें कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है. ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा कि पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक, और पी वाई इंटरसेक्शन एक्स. तो एक्स और वाई ये दो अगर इवेंट है, मतलब दो सेट्स हैं, इंटरसेक्शन जो हम ऑपरेशन करते हैं वो एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एक्स होता है. तो दो सेट का इंटरसेक्शन अगर सेम है तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे. तो अगर उसको दोनों तरफ हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहती है, सेम रहती है. तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू पी वाई इंटरसेक्शन एक्स. ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इंटू पी वाई अपॉन एक्स यूजिंग फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, इक्वल टू ये पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ वाई इंटू, अब जब y ऑलरेडी हो चुका है या नॉन है उस केस में x के होने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारा रिलेशन हम यूज कर सकते हैं. ठीक, अब इस गिवन प्रॉब्लम में px हमें गिवन है कितना 1/3 इंटू, और py अपॉन x कितना है, ये क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है यहाँ पे, ये x है. ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, x सिंबल है हमारा यहाँ पे, ऐसे कर देता हूं इसको मैं. सो 1/3 इंटू y अपॉन x कितना है, कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ y अंडर x 2/5 इक्वल टू py इंटू फिर से क्रॉस और px अंडर y, x अंडर y कितना है 1/2. यहां से जो py है वो कितना आ जाएगा इक्वल टू 4/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके py को हम कंप्यूट कर सकते हैं 4/15. ठीक है, अब देखो अगर हमें पता है कि कोई इवेंट y पहले हो चुकी है, सपोज ये y इवेंट है, फर्दर कोई इवेंट x या उसका कंप्लीमेंट, दो इवेंट है, या तो x होगी या फिर उसका कंप्लीमेंट होगा, ठीक, y के आगे, तो इसका मतलब पी एक्स अपॉन वाई, अगर मैं ये इवेंट लिखता हूं और एक में लिखता हूं पी एक्स डैश अपॉन वाई, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, एक्स अपॉन वाई और एक्स डैश अपॉन वाई जो है एक दूसरे की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट होगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा इक्वल टू होगा 1. ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की कंप्लीमेंट इवेंट है ये, अंडर वाई कंडीशन में दो इवेंट है ना, एक एक्स और एक एक्स डैश. ठीक है, अब यहां पे पी एक्स अपॉन वाई तो ऑलरेडी हमें गिवन है 1/2, तो पी एक्स डैश अपॉन वाई अगर हम कंप्यूट करें तो ये भी कितना हो जाएगा इक्वल टू 1-1/2, मतलब 1/2, ये हमने कंप्यूट कर लिया 1/2. ठीक है, अब हमारे जो ऑप्शन है उस पर आते हैं हम. सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की चेकिंग करते हैं. ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि py कितना है 4/15 प्लस और पी एक्स डैश अपॉन वाई, तो एक्स डैश अपॉन वाई कितना है 1/2 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आएगा 30. ठीक है, तो 8+15 इक्वल टू 23/30, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है दोनों प्रोबेबिलिटीज के सम की वो 23/30 आ रही है. ठीक, अब यहां पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में तो 23/60 दे रखा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया. लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें ये सम 23/ कितना है 30, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. ओके, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है. जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट कर सकते हैं. कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, देखो हम चेक कर सकते हैं उनको भी, वो ठीक है या गलत है. पी एक्स इंटरसेक्शन वाई हमसे पूछा जा रहा है ना, तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू इसके बराबर होगा पी एक्स इंटू पी वाई अपॉन एक्स के, तो पी एक्स कितना है हमारे पास 1/3 और इंटू ये कितना 2/5, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 2/5 मतलब 2/15, इन्होंने दिया हुआ है 1/5, तो ये रॉन्ग है ये वाला आंसर. ठीक है, आंसर करेक्ट क्या होगा इसका 2/15, अगर आप कंप्यूट करना चाहते हो तो ये आंसर आएगा.
और पी एक्स यूनियन वाई अगर आप कंप्यूट करना चाहते हो तो एडिशन रूल लगा सकते हो। पी एक्स यूनियन वाई इक्वल टू क्या होता है, एडिशन रूल के हिसाब से इक्वल टू होता है पी एक्स प्लस पी वाई और माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, इक्वल टू। अब ये पी एक्स आपके पास है 1/3 और पी वाई आपके पास है यहां पे कंप्यूट किया है 4/15 और माइनस का पी एक्स इंटरसेक्शन वाई आपने अभी कंप्यूट किया है 2/15, तो इससे आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। इसमें जो ऑप्शन हमारा डी है वो करेक्ट आंसर आ चुका है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 रैंडमली चूजन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं एक्स वाई जेड जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो एक्स है वो इवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक। मतलब क्या हुआ इसका, अब प्रोबेबिलिटी की एक कॉमन डेफिनेशन जो आप हमेशा पढ़ते हो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो होती है कि उस इवेंट के फेवर में कितने केसेस है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस से। तो यहां पे ऐसे सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें कि जिनमें जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो बट उनमें एक्स जो है वो इवन हो, तो ये जो केसेस आएंगे ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होंगे, और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन के आएंगे जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे इसके, जब कोई कंडीशन नहीं दे रखी है इवन आउट की, उस केस में उसको हम टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट करेंगे और फिर दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हमें इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अब आप एक फॉर्मूला नोट कर सकते हो, ये पॉइंट कई जगह आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस सपोज देर आर k वेरिएबल्स इन द इक्वेशन और इक्वल टू n, ये जो k वेरिएबल्स हैं k अननोन्स हैं इनका सम हमें n करना है, ये इक्वेशन है, और x1 x2 xn xk को हमें क्या रखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर रखना है, ठीक। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 8, इसमें n के प्लेस पे तो हमारा 8 आ जाएगा और अननोन कितने हैं 3, तो k इक्वल टू हम ले लेंगे 3। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, n प्लस k माइनस 1 सी k माइनस 1, तो 8 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 इक्वल टू 10 सी 2 और इक्वल टू 45, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ओके, नाउ हमें निकालना है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक्स क्या हो, इवन हो, वो हम निकाल लेते हैं। टोटल तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 45। ओके, सो नाउ इस साइड को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अब देखिए जो x है उसकी वैल्यूज में लिख लेता हूं, ठीक, क्या क्या पॉसिबल है। अगर x मेरा इवन रखना है तो x 0 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या मैक्सिमम 8। 8 से ज्यादा तो x को ले नहीं सकते ना, क्योंकि टोटल सम तो 8 ही करना है और किसी को नेगेटिव हम कर नहीं सकते, क्लियर। अब अगर x जब 0 है तो इक्वेशन जो बचेगी वो बचेगी y प्लस z इक्वल टू 8, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे हमें ये फाइंड आउट करना होगा। बस जब x तो 0 रखना है तो yz की जो वैल्यूज आएंगी जिनका सम 8 होगा वो सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, सभी में x 0 चलेगा, तो इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो हम काउंट कर लेंगे। x को अगर हम 2 रखते हैं तो y प्लस z हमें कितना करना होगा, 6, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। 4 रखने पे y प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 4। 6 रखने पे y प्लस z इक्वल टू कितना, 2। और 8 रखने पे y प्लस z इक्वल टू 0,
तो ये जो इक्वेशंस बनेंगे ना, इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पे दो अननोन है, तो 8 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9C2 माइनस 1, तो 9C1 मतलब 9, इसके 9 सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक, इससे एक नंबर ज्यादा 8 से। अगले में 6 प्लस 2 माइनस 1 तो 7 आ जाएगा यहां पे, इसमें फिर 5 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको टोटल ऐड कर दो सारे सॉल्यूशंस को, तो 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 25 इक्वल टू 25। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, जो 25 हमने फाइंड आउट किया है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है 45, तो इक्वल टू 5/9। ऑप्शंस के हिसाब से जो ऑप्शन बी है, दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ओके, प्लीज नोट डाउन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। Okay, so now let us see problem number 4. First of all, इसको एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और तब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर प्रोड्यूसर फैक्ट्री है, जिसमें हैज ओनली टू प्लांट्स, दो प्लांट है, एक प्लांट T1 और एक T2 है। ठीक है, प्लांट T1 प्रोड्यूस कर रहा है 20% और प्लांट T2 प्रोड्यूस कर रहा है रिमेनिंग ऑफ द टोटल कंप्यूटर्स। तो अगर 20% प्लांट T1 से हो रहा है, तो रिमेनिंग क्या बचा, 100% टोटल हो सकता है। ठीक है, तो 80% बचा जो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, T2 से। ओके, 10% ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, ओवरऑल जो फैक्ट्री है जिसके अंदर, यहां पे एक फैक्ट्री बनाता हूं मैं, कोई एक तरीके की फैक्ट्री है जिसके अंदर फिर दो प्लांट है, एक T1 प्लांट है और एक T2 प्लांट है। ठीक, T1 और T2 प्लांट्स हैं ये। नाउ इट इज नोन दैट P कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस इन प्लांट टी। T1 ने अगर कोई कंप्यूटर प्रोड्यूस किया, तो उसके डिफेक्टिव निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी कि वो कंप्यूटर डिफेक्टिव है, अंडर द कंडीशन कि वो प्लांट T2 ने प्रोड्यूस किया था। ठीक, इसके और P का मतलब यहां पे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो P उसके अंदर जो लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री रैंडमली सिलेक्टेड और फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी की वो प्रोड्यूस किसने किया था, प्लांट T2 ने किया था। ठीक, अब देखो, कोई भी कंप्यूटर है अगर वो डिफेक्टिव निकले या जो भी निकलेगा, तो पहले तो ये मैटर करेगा ना कि उसको प्रोड्यूस किसने किया है। कंप्यूटर पहले कोई फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी ना, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है, या तो वो T1 ने प्रोड्यूस किया होगा कोई कंप्यूटर, या T2 ने किया होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, दो ही उसके अंदर प्लांट है। अब T1 ने कोई कंप्यूटर प्रोड्यूस किया हो, रैंडमली सिलेक्टेड कंप्यूटर अगर हम फैक्ट्री में से उठाएं, ठीक है, और वो प्लांट T1 ने प्रोड्यूस किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, जो हमें डाटा गिवन है कि भाई T1 से 20% कंप्यूटर प्रोड्यूस होते हैं, तो इस 20% के हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/100 मतलब 1/5। इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी की रैंडमली सिलेक्टेड कंप्यूटर जो है वो T1 ने प्रोड्यूस किया है। ठीक, अभी उसके बाद वो T2 ने प्रोड्यूस किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, रिमेनिंग T2 कर रहा है 80%, तो 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 80/100। अब T1 ने कोई अगर प्रोड्यूस किया कंप्यूटर, उसके बाद उसका चेकिंग होगा, ठीक है ना, तो जो चेकिंग होने के बाद पता चलेगा, वहां पे दो पॉसिबिलिटी आएंगी कि या तो कंप्यूटर डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, मतलब गुड है। इसी तरीके से अगर कोई कंप्यूटर फैक्ट्री जो T2 प्लांट में प्रोड्यूस होता है, या तो वो डिफेक्टिव होगा या फिर क्या होगा, गुड होगा, दो ही पॉसिबिलिटी इसमें बनेंगी, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सिचुएशन, और यहां पे भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सिचुएशन। ठीक, और ये इवेंट हम लिख चुके कि T1 प्रोड्यूस करेगी या T2 प्रोड्यूस करेगी, इनकी प्रोबेबिलिटी हम लिख चुके। अब देखो, यहां पे
probability computer turns out to be defective given that it is producing T2. तो अगर T2 ने कोई कंप्यूटर प्रोड्यूस किया तो उसके डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको सपोज मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूं कि वो एक्स है, क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी मैंने मान ली एक्स। अब T1 ने प्रोड्यूस किया उस वो डिफेक्टिव निकला, ये प्रोबेबिलिटी इसका 10 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा यहां पे 10x, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम इस पूरी प्रॉब्लम में देखें, ओवरऑल कोई भी कंप्यूटर हम रैंडमली सेलेक्ट करें तो उसके डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर हम कंप्यूट करें तो क्या होगी, पी डिफेक्टिव, ठीक है, वो क्या होगा, पी डी, देखो कहां पे डी, एक तो यहां पे और एक यहां पे, दो सिचुएशन में मिल रहा है, तो रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यहां से देखेंगे और डी तक पहुंचेंगे, एक ब्रांच तो ये जा रही है, तो इसमें लाई करने वाली सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 × 10x, ओके। मतलब कि या तो वो T1 ने प्रोड्यूस किया होगा डिफेक्टिव कंप्यूटर, या फिर प्लस दूसरा किसने किया होगा, या T2 ने प्रोड्यूस किया और डिफेक्टिव निकला, दो पॉसिबिलिटी है डिफेक्टिव होने की, तो 4/5 × x, ठीक है, इंटू एक्स। अब ये एक कंप्यूटर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब एक और डाटा हमें गिवन है कि 10% कंप्यूटर हमें जो फैक्ट्री से निकलते हैं ना, दोनों प्लांट से निकल के वो फैक्ट्री से ओवरऑल जो निकले तो 10% डिफेक्टिव निकलते हैं, मतलब एक के डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 10/100। तो इसको इक्वल टू कहेंगे 10/100, क्योंकि ये हमने डिफेक्टिव होने की एक कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो जब भी हमें दिया होता है कि 10% डिफेक्टिव कंप्यूटर है, मतलब जितने भी तुम स्टूडेंट्स मेरी क्लास देख रहे हो अभी, ठीक है ना, तो उसमें से अगर मैं ये कहूं कि जितने भी क्लास बच्चे अभी लाइव है मान ले क्लास में, तो उसमें से 5% बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, एक टर्म मैंने बना ली, एक लेवल को बना दिया, इससे ऊपर की नॉलेज जिसको है वो इंटेलिजेंट है मान लिया। तो रैंडमली हम किसी बच्चे को सेलेक्ट करेंगे तो उसके इंटेलिजेंट होने की, एक बच्चे के इंटेलिजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 5% टोटल है ना इंटेलिजेंट, तो एक के इंटेलिजेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/100। ये कांसेप्ट यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 10+4 14x/5 है, तो इक्वल टू यहां पे 10/100 1/10 है और ये 5 से कट के 1/2 हो जाएगा, तो इससे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/28, ओके। तो ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने x माना था यहां पे, इसको मैं लिख सकता हूं 1/28, मतलब फैक्ट्री के प्लांट T2 ने जो कंप्यूटर प्रोड्यूस किया उसके डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/28 है, तो उसके डिफेक्टिव ना होने की क्या होगी, उसके गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 − 1/28 मतलब 27/28, ये लिख सकते हैं। और ये 10x है, तो x अगर 1/28 है तो ये 10x मतलब 10/28, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुड होने की प्रोबेबिलिटी 18/28, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही होगा, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 1। ये हमने अपना ट्री डायग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब ये सारी कैलकुलेशन जो है इसको आप यहां से मैं डिलीट कर सकता हूं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें उसको एक बार चेक करते हैं। ए कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हमने रैंडमली एक कंप्यूटर उठाया और देखा कि यार ये तो डिफेक्टिव निकला, ठीक है। अब डिफेक्टिव निकला तो ये आया कहां से, कौन से प्लांट से आया, ये नहीं पता। एक जगह सारे प्लांट के जो कंप्यूटर है, दोनों प्लांट के, वो एक जगह कहीं इकट्ठे हो जाते हैं मान लिया। वहां पे इंस्पेक्टर साहब आए जो चेकिंग करते हैं क्वालिटी वाले, उन्होंने एक रैंडमली कंप्यूटर उठाया और वो निकला डिफेक्टिव, ठीक। अब डिफेक्टिव निकला तो ये किस प्लांट से आया भाई, ये क्वेश्चन उनके सामने आया। सब मिक्स है, दोनों प्लांट के सारे कंप्यूटर मिक्स है, तो कैसे आइडिया लगाएं कि वो किस प्लांट से आया होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी कि अच्छा ये प्लांट इस वाले प्लांट से आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या ये इस प्लांट से आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जिसके चांस है उनको ज्यादा मिल गए कैलकुलेशन में, हो सकता है उस पे को पेनल्टी लगा दे, ठीक है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। अब यहां पे इसको सिंबोलिकली अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किस बात की हमसे पूछी जा रही है, कि वो T2 ने प्रोड्यूस किया होगा अंडर द कंडीशन की कंप्यूटर कैसा है, डिफेक्टिव है, ये हमें गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कि वो T2 ने प्रोड्यूस किया होगा अंडर द कंडीशन कि वो डिफेक्टिव है। अब यहां पे लगेगा आपका बेज रूल, क्योंकि डिफेक्टिव है ये तो पता है, बट वो प्रोड्यूस किसने किया है, इधर से आया कि इधर से आया, ये बैक पता लगाना है हमें। इस केस में हम यूज करते हैं बेज रूल, ठीक है। तो इक्वल टू इसको लिखेंगे बेस थ्योरम के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाय PD,
okay, equal to P of T2 intersection D, matlab P T2 into P D upon T2 using multiplication rule, or upon mein P D, okay, equal to, ab P T2 kitna hai, 4 upon 5 yahan pe given hai, theek hai, isko 4 upon 5 likhenge, multiplied by P D upon T2 kitna hai, D upon T2 matlab 1 upon 28, और डिवाइडेड बाय पीडी कितना है, ओवरऑल कंप्यूटर के किसी एक कंप्यूटर के डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी गिवन है, कितना 10% डिफेक्टिव थे ना, तो 1/10, ओके, इक्वल टू, अब ये 10 जो है ऊपर जाएगा 40/5 × 28, 5 से कैंसिल करेंगे 8, फिर 4 से कैंसिल कर सकते हैं 2, और यहां पे 7, तो 2/7 ऑप्शंस के हिसाब से बी आपका आंसर आ जाएगा 2/7, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके, नोट कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। Okay, so now let us try to solve this problem. First of all, इसको मैं एक side लेके जाता हूँ। अब देखिए, football teams हैं, T1 और T2 दो फुटबॉल टीम है, और वो एक गेम खेलते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और ये अज्यूम किया जाता है कि उनकी जो आउटकम्स है दोनों गेम्स की वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब पहले गेम में कौन विनर हुआ इसका दूसरे गेम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, पहले गेम में कोई विनर हो दूसरे गेम में कोई भी विनर हो सकता है, ठीक, ये हमारा मतलब है इसका। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विनिंग किसी भी गेम में, पहला गेम हो या दूसरा गेम हो, इंडिविजुअली गेम की बात चल रही है जब, तो T1 जो है वो T2 से गेम को जीत जाएगी, ठीक है ना, T1 will be winner, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या ड्रॉ हो जाएगा मैच, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और T1 लूज कर देगी मैच को, मतलब T2 विनर हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3 है, क्लियर। उसके बाद ईच टीम गेट्स 2 पॉइंट्स फॉर ए विन, जो टीम जीतती है ना उसको 2 नंबर मिलते हैं, 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक, और अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो दोनों टीम को 0-0 मिलेंगे, और जो टीम लूजर होती है, जो टीम मैच हारती है ना, उसका एक पॉइंट -1 मिलता है, उसको निगेटिव में मिलता है, ठीक है, -1, ओके। नाउ लेट एक्स एंड वाई डिनोट द टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टीम T1 एंड T2। T1 ने जो पॉइंट स्कोर किए टोटल, उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एक्स से, और T2 ने जो स्कोर किया उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें यह बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। सो लेट अस डिस्कस, सबसे पहले देखिए मैच की सीक्वेंस समझिए, मैच की सीक्वेंस क्या हो सकती है, गेम 1 और गेम 2, पहले गेम 1 होगा एक मान लिया, उसके बाद गेम 2 होता है, ठीक। तो गेम 1 में क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है, 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है गेम 1 में, क्या क्या, कि T1 जो टीम है, T1 इज विनर, एक सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ड्रॉ, मैच जो है वो ड्रॉ हो जाता है, ठीक है, और थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, T2 इज विनर, ठीक है, तो T2 अगर विनर है मतलब T1 जो है वो लूज कर रही है, T1 इज लूजर या T2 इज विनर, एक ही बात है, ये केवल 3 सिचुएशन बन सकती है, तीनों सिचुएशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होंगी, मतलब तीनों में से एक ही सिचुएशन एक्चुअल में बनेगी और
कोई ना कोई जरूर बनेगी इनमें से, रिजल्ट जो भी होगा इनमें से ही होगा। ठीक, अब T1 के विनर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी है। ये लिखा हुआ है कि T1 विनिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। उसके बाद मैच के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 यहां पे लिखेंगे। और T1 लूजर है मतलब T2 विनर है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3। ये प्रोबेबिलिटी यहां पे मेंशन कर देंगे ब्रांच में। अब पहले गेम में सपोज T1 विनर है, फर्दर अब दूसरा गेम होता है, ठीक है, तो दूसरे गेम में फर्दर तीन सिचुएशन कि भाई T1 विनर है, T1 इज विनर, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मैच ड्रॉ हो गया, या फिर T1 इज लूजर, T1 इज लूजर, और T1 लूजर का मतलब T2 इज विनर। अब देखो T1 पहले विनर था, कोई बात नहीं, जब दोबारा मैच होगा तो रिजल्ट इंडिपेंडेंटली आएगा इससे, तो T1 के अगेन विनर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, जो पहले थी विनर होने की 1/2 रहेगी, मैच के ड्रॉ होने की 1/6 और T1 के लूजर होने की 1/3, ये प्रोबेबिलिटी यहां पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर मैच पहला ड्रॉ हुआ फिर से मैच हुआ तो अगेन तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी यहां पे कि T1 विनर है, T1 इज विनर, दूसरा ड्रॉ हो जाता है मैच, और थर्ड T1 इज लूजर। ओके, ये लिखेंगे आप। अब इनकी प्रोबेबिलिटी पहले की तरह 1/2, 1/6 और 1/3 ये मेंशन कर देंगे। और अगर पहले गेम में T1 लूजर हुआ मतलब T2 विनर हुआ तो सेकंड गेम में अगेन तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, तीनों मेंशन करेंगे यहां पे कि T1 जो है वो विनर है और मैच ड्रॉ हो रहा है, या T1 लूजर है और मैच T2 विनर है, ठीक है, ये हो सकता है। प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी, T1 के विनर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, और ड्रॉ होने की 1/ कितना चल रहा था, 6, और T1 के लूजर होने की 1/3, ये सारी प्रोबेबिलिटी हम मेंशन कर देंगे। तो हमारा ट्री डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम यहां पे इवेंट लिखेंगे, मतलब यहां पे लिखेंगे नंबर्स एक्स और वाई, और वो नंबर आने की, एक्स को इतने नंबर मिलेंगे, वाई को इतने नंबर मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो प्रोबेबिलिटी हम यहां पे मेंशन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि एक्स को इतने नंबर मिले और वाई को इतने नंबर मिले, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है। तो सबसे पहले अगर ये सिचुएशन बनती, पहली ब्रांच के हिसाब से चलते हैं कि पहला मैच T1 विनर हुआ, तो T1 अगर विनर हुआ पहले मैच में, उसको कितने नंबर मिले, 2 T1 को, ठीक, ये 2 लिख दिया हमने, और वाई को कितने, उसको कितने मिले, T2 को, वो लूजर हो गया, अगर T1 विनर होता है तो दूसरा क्या लूजर है, उसको -1 मिल गया यहां पे, ठीक है, -1। उसके बाद फिर से दूसरा मैच हुआ, उसमें भी T1 विनर है, तो इसको अगेन 2 पॉइंट्स मिले, ठीक है, और इसका एक नंबर और कट गया, तो इसको मिले 4 और इसको मिले -2। तो एक सिचुएशन तो ये होगी कि एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू -2 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इस वाली इवेंट की, यहां पे देखो इस इवेंट की, ये 1/2 और एंड ये 1/2, कितना हो जाएगा, 1/4 यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन रूल। ये दोनों बातें सच होनी चाहिए ना, पहले ये विनर होना चाहिए एंड फिर ये विनर होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अब आते हैं सेकंड ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले T1 विनर हुआ, T1 विनर हुआ मतलब 2 नंबर उसको मिले और -1 मिला वाई को, लेकिन दूसरा मैच ड्रॉ हो गया तो दोनों को 0-0 पॉइंट मिले, इसको 0 इसको 0, तो नेट पॉइंट इस पे 2 रहे और इस पे -1 रहे। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखो यहां पे कितनी आएगी, तो 1/2 × 1/6 मतलब 1/12 आ जाएगा यहां पे। नेक्स्ट केस, T1 विनर, तो इसके 2 पॉइंट्स हो गए और इसके -1। अगेन सेकंड केस में T1 लूजर हो गया, तो T1 अगर लूजर हो गया तो -1 मिला इसको, और T2 विनर हो गया +2 मिला, तो यहां पे इसके पास भी 1 मार्क बना और इसके पास भी 1 पॉइंट बना, दोनों पे 1-1 पॉइंट हो गए, और इस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 × 1/3 मतलब 1/6। इस तरीके से आपको ये डायग्राम कंप्लीट करना है। ठीक, अब अगला केस ये लिख लेते हैं, पहला मैच ड्रॉ हुआ, दोनों को 0-0 नंबर, फिर T1 विनर हो गया, तो T1 को मिले 2 और T2 टीम को मिला -1, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1/12 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यहां पे लिख रहा हूं 1/12। ओके, नेक्स्ट केस, ये ड्रॉ हुआ पहला मैच तो सेकंड वाले से पॉइंट मिलेंगे, ये भी ड्रॉ हो गया तो दोनों को 0-0 नंबर मिला, इसको भी 0 इसको भी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 × 1/6 तो 1/36,
ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये ड्रॉ हुआ, अगला टी वन लूजर हुआ, तो टी वन अगर लूजर हुआ इसका मतलब टी वन का माइनस वन, और टी टू विनर हुआ उसके टू पॉइंट्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6 इंटू 1/3, 1/18। ओके नेक्स्ट, टी वन लूजर है अगर तो माइनस वन, और टी वन फिर विनर हो गया। देखो जैसे ही टी वन लूजर हुआ था तो टी टू विनर हुआ होगा तो टू पॉइंट्स उसको मिल गए होंगे, और फिर उसके बाद टी वन विनर हो गया तो इसको दो मिले और उसका माइनस वन हो गया होगा टी टू का। तो दोनों के 1-1 मार्क्स हैं यहाँ पे, इसके 1 पॉइंट और इक्वल टू ये भी 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3 इंटू 1/2, 1/6। अगला केस, टी वन लूजर तो माइनस वन और इसको टू, और फिर ड्रॉ हो गया अगला 0-0, तो माइनस वन टू मिले पॉइंट्स, और प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/6, 1/18 ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला केस क्या बचा हमारे पास, अभी तक टोटल 9 केसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट केस बचा ये वाला, ठीक है। तो टी वन लूजर, लूजर का मतलब टी वन को माइनस वन और टी टू को टू, और फिर से टी वन लूजर तो अगेन इसका माइनस वन और इसको टू, तो इसके पास माइनस टू और इसके पास फोर पॉइंट्स हो गए, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 इंटू 1/3, 1/9, ठीक है। इस तरीके से हम ये डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्या प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि x की वैल्यू y से बड़ी है, मतलब x जो है वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है t1 के, और y रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट किसके, t2 के, तो t1 के पॉइंट t2 से ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक। तो इसमें वो सारे केसेस काउंट करो जहां पे x y से ग्रेटर दिख रहा है और उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो सिंपल, ठीक है। तो एक तो ये 4 और माइनस 2, इसमें x y से ग्रेटर है तो 1/4, एक तो हमारी ये वाली इवेंट होगी मेन, ठीक है, एक तो 1/4 को ऐड करेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं रिजल्ट, 1/4 प्लस, दूसरा ये 2 और ये माइनस 1, अगेन x y से बड़ा है तो 1/12 ये वाला भी लेना है, प्लस 1/12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में दोनों के 1-1 है तो इसको नहीं काउंट करना क्योंकि हमें ग्रेटर देखना है ना, x ग्रेटर देन y, इसमें 2 और माइनस 1, इसमें भी x ग्रेटर देन y है तो अगेन 1/12, तो प्लस 1/12। ओके, उसके अलावा कोई और पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा जहां पे x ग्रेटर देन y हो, ठीक है। तो बस ये 3 इवेंट को हमें प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, इक्वल टू 1/4 और प्लस 2/12, मतलब 1/6 इक्वल टू एलसीएम 24 आ जाएगा, तो 6 + 4, तो 10/24 मतलब कितना आ जाएगा ये, 5/12, तो डी आंसर आ जाएगा इस प्रॉब्लम का, ठीक है। 5/12 इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, नोट कीजिए। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6, कैसे सॉल्व करना है इसको ये समझ लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को इधर शिफ्ट किया। इन ए फैक्ट्री देर आर 5 इंडिपेंडेंट मशीन्स, कोई फैक्ट्री है उसमें 5 इंडिपेंडेंट मशीन्स हैं, ठीक है, और कोई भी मशीन उसमें आउट ऑफ सर्विस होगी ऑन ए डे, ये प्रोबेबिलिटी हमें 1/4 दे रखी है, मतलब सारी जो आपकी फैक्ट्री है सभी के आउट ऑफ सर्विस होने की, मतलब काम ना करने की जो प्रोबेबिलिटी वो सेम है, और सभी की कितनी है, 1/4, ठीक। और आपस में इंडिपेंडेंटली काम करेंगी मशीन, मतलब उसका ये हुआ कि एक मशीन अगर खराब है तो दूसरी मशीन का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक। कोई मशीन है वो या तो काम करेगी या नहीं करेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 मशीन्स विल बी आउट ऑफ सर्विस, प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट टू, प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट टू
machines will be out of service. ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर पी, पी कोई नंबर है इनटू में, ठीक है, और हमें पी की वैल्यू बतानी है बस। अब देखो एटमोस्ट टू मशीन्स विल बी आउट ऑफ सर्विस, तो एटमोस्ट टू की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो मशीन काम मतलब आउट ऑफ सर्विस हो, दो से ज्यादा मशीन आउट ऑफ सर्विस ना हो, कम कितनी भी हो सकती है, ठीक है, तो दो या दो से कम जितनी भी है पॉसिबिलिटी उन सब की प्रोबेबिलिटी को एड करना होता है, ठीक। तो यहां पे ये जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एटमोस्ट टू मशीन्स फंक्शनिंग आउट ऑफ सर्विस, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी नो मशीन मतलब जीरो, नंबर ऑफ मशीन जीरो, नो मशीन इज आउट ऑफ सर्विस, इज आउट ऑफ सर्विस, कोई भी मशीन आउट ऑफ सर्विस नहीं है, ठीक। प्लस प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली वन मशीन इज आउट ऑफ सर्विस, एग्जैक्टली वन मशीन इज आउट ऑफ सर्विस, इसको ऐसे लिखेंगे, और प्लस प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली टू मशीन्स आर आउट ऑफ सर्विस, ओके, और ये इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई पी, ये लिखना है हमें, ठीक। एटमोस्ट टू, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो टू या टू से कम वाली सारी प्रोबेबिलिटी आपको ऐड करनी होती है जीरो तक, नो मशीन आउट ऑफ सर्विस, वन मशीन आउट ऑफ सर्विस या टू मशीन आउट ऑफ सर्विस, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे। अब ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो मैंने लिखी है यहां पे, ये वाली, ये और ये तीनों कंप्यूट करनी है, ठीक, इनको सम करके इक्वल टू आ जाएगा वो जो लिखा हुआ राइट में, और फिर उससे पी हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अब देखो नो मशीन इज आउट ऑफ सर्विस मतलब कोई मशीन आउट ऑफ सर्विस नहीं है, मतलब पांच मशीन मान लेते हैं M1, M2, M3, M4, M5, सपोज M1, M2, M3, M4, M5, ये पांच मशीन हमारे पास हैं, इनमें से कोई भी मशीन आउट ऑफ सर्विस नहीं है, ठीक, मतलब पहली मशीन आउट ऑफ सर्विस नहीं है, दूसरी भी आउट ऑफ सर्विस नहीं है, तीसरी भी आउट ऑफ सर्विस नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, जब कोई नहीं होगी ना तभी तो ये सिचुएशन बनेगी। तो M1 आउट ऑफ सर्विस नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, आउट ऑफ सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो आउट ऑफ सर्विस नहीं होने की मतलब वर्किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1-1/4 मतलब 3/4, तो M1 की 3/4, ठीक है, इनटू दूसरी वाली की भी 3/4, थर्ड की भी 3/4, फोर्थ की भी 3/4, फिफ्थ की भी 3/4, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये सारी की सारी, ओके। अब ये 3/4 की पावर कितना आ जाएगा, पहली जो हम लिखेंगे इक्वल टू 3/4, जो फर्स्ट इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये आ जाएगी, ठीक। उसके बाद आते हैं एग्जैक्टली वन मशीन इज आउट ऑफ सर्विस, एक मशीन आउट ऑफ सर्विस है, ठीक, बाकी काम कर रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो एग्जैक्टली वन कौन सी हो सकती है, सपोज M1 आउट ऑफ सर्विस है, बाकी सारी काम कर रही है, ठीक, एक तो ये केस बनेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि M2 आउट ऑफ सर्विस है बाकी काम कर रही है, या M3 आउट ऑफ सर्विस है बाकी काम कर रही है, या M4 आउट ऑफ सर्विस है बाकी काम कर रही है, या M5 आउट ऑफ सर्विस है बाकी काम कर रही है, ठीक। तो पहले हम मान लेते हैं कि M1 जो है वो आउट ऑफ सर्विस है एक, तो इसके आउट ऑफ सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 इनटू बाकी सारी काम कर रही है, तो दूसरी के काम करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, थर्ड के काम करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ओके, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3/4 कितना, 1, 2, 3, 4 और इनटू 1/4। अब ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई ना कि M1 जो है वो आउट ऑफ सर्विस है बाकी काम कर रही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि M2 जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो बाकी काम कर रही हो, ये अलग सिचुएशन बनेगा, ऐसे ही M3 आउट ऑफ सर्विस हो बाकी काम कर रही है, तो ऐसे पांच केस बन सकते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी ना, एक की हमने निकाल ली है तो पांच की निकालने के लिए इनटू 5 कर देंगे इसको, ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी आएगी, सेकंड वाली इवेंट की, एग्जैक्टली वन कौन सी हो सकती, M1 हो सकती, M2 हो सकती, कोई सी भी हो सकती है ना, तो इनटू 5 टाइम्स कर देंगे इसको, क्लियर। अब अगले में आते हैं एग्जैक्टली टू मशीन्स जो है वो आउट ऑफ सर्विस है, दो आउट ऑफ सर्विस है एग्जैक्टली, बाकी तीन काम कर रही है, ठीक है, अब वो दो कौन सी, ये भी तो मैटर करेगा ना,
हो सकता है कि M1 M2 काम कर आउट ऑफ सर्विस हो, बाकी तीनों काम कर रही हो, या M1 M3 या M1 M4। तो ऐसे टोटल कितने केस बन सकते हैं? टोटल 5 में से 2 लेने हैं हमें, ऐसे 2 सिलेक्शन करने हैं जो हमारे आउट ऑफ सर्विस के लिए हमें लेने हैं सपोज। तो 5 में से 2 आइटम को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 5C2 इक्वल टू होता है 10। ओके, तो यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहां पे 5 से कराए। अब 10 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? कोई एक इवेंट निकाल लेते हैं हम, मान लिया कि M1 आउट ऑफ सर्विस, M2 आउट ऑफ सर्विस, बाकी तीनों काम कर रही हैं। तो M1 के आउट ऑफ सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी? 1/4 इनटू M2 के आउट ऑफ सर्विस होने की 1/4, और बाकी तीनों के आउट ऑफ सर्विस ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4 × 3/4 × 3/4, तो 3/4 की पावर 3। और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 से, क्योंकि ऐसी 10 सिचुएशन बन सकती हैं। दो दो लेंगे ना जो ऑटो सर्विस रखनी है, M1 M2 या M1 M3, M1 M4, M1 M5, M2 M3, M2 M4, M2 M5, M3 M4, M3 M5, इस तरीके के 10 केस बनेंगे, तो इनटू 10 कर देंगे। ठीक, अब ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी, तीनों जो मिल गई हमें, एक ये वाली इधर लिखी हुई है, सेकंड वाली ये वाली है, और थर्ड जो हमने कंप्यूट किया वो ये वाली है, तीनों का सम करेंगे तो इक्वल टू ये नंबर आ जाएगा, और इससे फिर हम पी कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, फाइनल कैलकुलेशन में कर देता हूं, ये मिटा रहा हूं मैं इधर से। अब तो सबसे पहले 3/4 की पावर 5, ठीक है, प्लस ये 3/4 की पावर 4 × 5/4, ओके, प्लस ये कितना है? 3/4 की पावर 3, और इंटू में 1/ कितना हो जाएगा? 10/16, इंटू में 10/16 ये आ जाएगा। ठीक, ये मैंने तीनों को ऐड करके लिख दिया है, अब मैं ये सारा डिलीट कर देता हूं यहां से। इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू में ये, अब देखो 3/4 की पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लू सभी में से, इंटू में, तो यहां पे बचेगा 9/16, प्लस इसमें से कॉमन लिया है तो 3/4, और प्लस यहां से कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा? अच्छा, इंटू में यहां पे 5/4 भी था, इसको भी लिखना पड़ेगा, 3/4 तो यहां से बचा, 5/4 यहां से बचा, तो इसको इंटू में 5/4 यहां पे भी लिखना है, और प्लस 3/4 की पावर 3 कॉमन लिया तो 10/16, ओके, इक्वल टू 3/4 की पावर 3 इंटू 9 प्लस 15 और प्लस 10 और अपॉन में 16 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके मल्टीपल में जो नंबर आया वो P, ये नंबर हो गया ना P, तो यहां से P इक्वल टू कितना लिखोगे भाई? P इक्वल टू इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हो 15 और 10 25 और 9 34 अपॉन 16, मतलब 17/8। सो इसका जो आंसर आएगा बी इज द करेक्ट आंसर, 17/8, नोट कीजिए। Now let us see the next problem, question number 7. Okay, so now let us see question number 7. इसको इधर shift कर लेते हैं। एबीसी जो है वो तीन इवेंट हमें गिवन है, ठीक है। अब पी ए अकर्स, तो पी ए अकर्स को सिंबोलिकली पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स, ये 2/5 है। पी बी अकर्स, तो पी बी इक्वल टू 11/25, ओके। पी सी अकर्स, तो पी सी इक्वल टू 8/25। पी बोथ ए एंड बी अकर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोथ ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/5। P both B and C occur,
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी मतलब बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना है 3/25. ऑल द थ्री अकर, ऑल द थ्री का मतलब ए एंड बी एंड सी तीनों, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/25. ठीक है. और पी नन अकर, नन अकर का मतलब नीदर ए एंड नोर बी एंड नोर सी, ये रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वल टू 1/5. ठीक है, ये सारा कुछ हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि बोथ ए एंड सी अकर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू, ये हमारे को आंसर कंप्यूट करना है. ठीक. अब देखो इसमें जो ये प्रोबेबिलिटी गिवन है नीदर ए नोर बी नोर सी, इसको हम लिख सकते हैं इसकी हेल्प से पी ए यूनियन बी यूनियन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर इक्वल टू, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, तो इक्वल टू 1 माइनस 1/5 और इक्वल टू 4/5. ये हमारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 4/5 आ जाती है. ठीक. अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल एडिशन रूल फॉर थ्री इवेंट्स. अगर यहां पे हम फंडामेंटल एडिशन रूल लिखें तो वो रूल क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए और प्लस में एक और आता है यहां पे प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, ये हमारा यहां तक का रूल है पूरा जिसको बोलते हैं हम फंडामेंटल एडिशन रूल. ये फॉर्मूला आपको याद करना है. ठीक है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब इस क्वेश्चन में देखो सारी प्रोबेबिलिटी गिवन है, बस ये मिसिंग है पी ए इंटरसेक्शन सी जो है आपका, सी इंटरसेक्शन ए बोल दो इसको या ए इंटरसेक्शन सी बोल दो, कॉम्पिटेटिव होता है इंटरसेक्शन ऑपरेशन, तो ये आपको निकालना है सारी वैल्यूज पुट करके आ जाएगा. ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पी ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 4/5, तो इसको कहां पे लिखा जाए ये देख लेते हैं. इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं अब हम प्रॉब्लम को यहां पे. ठीक. सो सबसे पहले पी ए यूनियन बी यूनियन सी 4/5 ओके इक्वल टू पी ए कितना है 2/5 प्लस पी बी कितना है आपका 11/25 प्लस और पी सी कितना है 8/25 ओके माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/5 माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी 3/25 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/25 ठीक है. अब ये सारा कुछ हमें गिवन है तो जो अननोन है उसको आराम से निकाल सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं इस साइड से. क्या जाएगा आंसर हमारा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार. 4/5 इसको डिनोमिनेटर को सभी में 25 बना लेते हैं तो 20/25 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 से नीचे किया इक्वल टू 10/25 प्लस 11/25 प्लस 8/25 माइनस 5/25 माइनस 3/25 और प्लस का 2/25 ये वाला और माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी ओके. तो 20/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10 + 11 = 21 और प्लस 8 = 29 में से 8 गया 21 और प्लस 2 23/25 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो 3/25. सो ऑप्शंस के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है ना आपका 3/25 दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम ओके. Now let us see the next problem.
Okay, so now let us write this to this side. एक फेयर डाइस है उसको हमने दो बार रोल किया, ठीक है। अब अगर किसी फेयर डाइस को हम ट्वाइस रोल करते हैं उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो तो वेल नोन होता है, आपको पता ही होगा सभी को, टोटल एक सैंपल पॉइंट बनते हैं उसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से सारे लिख सकते हो, टोटल 36 सैंपल पॉइंट होते हैं, ठीक। अब इसमें जो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं हम, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी कि सम जो है आउटकम के जो सम को डिनोट कर रहे हैं वो आर से कर रहे हैं, जैसे पहली बार हमारा वन आया और दूसरी बार फिर से थ्रो किया डाइस को टू आया, तो दोनों का सम कितना हो गया 1 + 2 = 3, उसको आर बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे जो सम आर है ये 5 से ग्रेटर होना चाहिए अंडर द कंडीशन कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा रहता है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें उस कंडीशन में निकालनी होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम सैंपल स्पेस को इसके हिसाब से बनाते हैं कि R 2 से बड़ा लेना है या 2 लेना है हमें। तो जो सैंपल पॉइंट 36 बनते हैं उन सभी में मिनिमम R की वैल्यू कितनी होती है, जब 1 1 आता है तो 2 होती है ना, तो हमेशा 36 के 36 सभी सैंपल पॉइंट में R 2 या 2 से ग्रेटर ही होगा। तो इसमें जो ये कंडीशन दे रखी है ना, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका मतलब हमें 36 ही सैंपल पॉइंट लेने पड़ेंगे इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि सभी में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। अब उन 36 में हमारे फेवर में कितने पॉइंट हैं, जिनमें सम 5 से बड़ा होगा वो सारे पॉइंट फेवर में होंगे, तो 5 से बड़ा सम 6 7 8 सब हो सकते हैं ना, 12 तक जा सकता है। तो कितने केस बनेंगे वो लिख लेते हैं, 5 से ग्रेटर सम बनाना है। तो देखो अगर पहले हम 1 ले आते हैं, पहले में 1 आता है मान लिया फर्स्ट में, तो दूसरी बार में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 1 + 5 6 हो जाएगा, 5 से ग्रेटर हो जाएगा, या 1 6, दो सैंपल पॉइंट तो ये बन जाएंगे, ठीक। अगर हम फर्स्ट में 2 लेके आते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 4 या 2 5 या 2 6, ठीक है, इसमें 3 बनेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को लिख लोगे ना, उसमें 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 के साथ 3 आ सकता है, या 3 4, या 3 5, या 3 6। अब ये नंबर एक एक बढ़ता जा रहा है ना, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से आइडिया लग जाएगा कि 2 प्लस, यहां पे लिख देता हूं 2 प्लस, फिर इसमें 3 बनेंगे 2 से स्टार्ट होने वाले, फिर 3 से स्टार्ट होने वाले 4 बनेंगे, ठीक है, फिर 4 से स्टार्ट होने वाले 5 बनेंगे, फिर 5 से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे भाई, 5 से स्टार्ट होने वाले 6 बनेंगे, 5 1 5 2, सब में सम जो आएगा 5 से बड़ा ही आएगा, और 6 से स्टार्ट होने वाले भी 6 बनेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, 26। तो टोटल 26 और अपॉन में 36, और यहां पे गिवन कितना है, 5/8, इसका मतलब जो ऑप्शन ए है हमारा वो कैसा है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा जा रहा है कि जो आर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसमें कोई कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, बस आर जो सम है वो 3 का मल्टीपल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक। तो सैंपल स्पेस के 36 के 36 सैंपल पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे, उन 36 में वो पॉइंट सर्च करो जिनमें सम जो है वो 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर बी के लिए, ठीक। अब मैं पहले ऑप्शन नंबर ए के सॉल्यूशन को यहां से डिलीट कर रहा हूं, देन आई विल सॉल्व ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमारा इनकरेक्ट आंसर आ चुका है ए में। तो अब देखिए बी में क्या करना है, आर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब आर जो है वो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है या 9 हो सकता है या 12 हो सकता है, 12 से बड़ा तो हो नहीं सकता आर, क्योंकि मैक्सिमम 6 6 कितना आता है, 12 आता है सम, ठीक। अब 3 किस किस में आएगा सम, अगर हम 1 2 ले पहले, इसमें 3 आएगा, एक तो ये पॉइंट बनेगा, या फिर 1 2 1 5 उसमें 6 आ जाएगा 1 5 में, और तो 1 से कोई स्टार्ट हो नहीं सकता जिसमें इनमें से कोई भी सम आए, दो पॉइंट बने। अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 ये 3 हो जाएगा, या 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है, उसके आगे तो जाएगा नहीं, 9 तो जाएगा नहीं। अब 3 से स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो 3 से स्टार्ट करके 3 3 6 बन जाएगा, ठीक, या 3 6 पे 9 बन सकता है, ठीक है,
थ्री सिक्स पे नाइन हो जाएगा। उसके बाद फोर से स्टार्ट करेंगे तो फोर टू पे सिक्स हो सकता है, फोर फाइव पे नाइन हो सकता है, और फोर सिक्स पे टेन ट्वेल्व तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब फाइव से स्टार्ट करेंगे तो फाइव वन हो सकता है, या फाइव के साथ फोर करने पे नाइन आ सकता है, ठीक है, तो आएगा नहीं। अब सिक्स से स्टार्ट करते हैं तो सिक्स थ्री नाइन या सिक्स सिक्स ट्वेल्व, ये केस बनेंगे हमारे। तो इनको काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो टोटल ट्वेल्व केसेस बन रहे हैं ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इवेंट की, 12 अपॉन 36 मतलब 1 अपॉन 3, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 4, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अब हम थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के लिए फिर से मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं, आप इसको खुद नोट कर सकते हो। अब सो ऑप्शन नंबर सी में क्या करना है, देखो प्रोबेबिलिटी कि आर जो है वो ओड है, आर इज ओड, सम मतलब ओड है, अंडर द कंडीशन। अब यहां पे कंडीशन गिवन है कि आर एक परफेक्ट स्क्वायर है, आर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये गिवन कंडीशन है, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें इस इवेंट की कि सम ओड है इस कंडीशन में, ठीक। अब इसमें जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से पहले अपने सैंपल स्पेस को चेंज करेंगे ना, 36 सैंपल पॉइंट होते हैं वैसे तो, बट जो गिवन कंडीशन में नोन है उसके हिसाब से नया सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो नया सैंपल स्पेस जो बनेगा एस डैश नाम दे देते हैं उसको, क्या लिखेंगे उसको, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए आर। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं, वन होता है लेकिन वन तो आएगा नहीं कभी, उसके बाद फोर या नाइन, ये हो सकता है ना परफेक्ट स्क्वायर सम, उसके आगे तो जाएगा नहीं सम, ट्वेल्व परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है आपका, ठीक। अब फोर किस किस में आ सकता है, वन थ्री में फोर, उसके बाद टू टू, और फिर थ्री वन, ठीक है, उसके बाद थ्री सिक्स नाइन हो जाएगा, फोर के साथ फोर फाइव नाइन हो जाएगा, फाइव फोर नाइन हो जाएगा, ठीक है, और सिक्स थ्री नाइन, ये हमारे टोटल कितने केस बन रहे हैं इसमें, सेवन। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इसमें सेवन बने, ठीक। अब इसमें फेवरेबल कितने हैं, जो इवेंट क्या है कि सम ओड होना चाहिए, तो इसमें सम ओड कितने केसेस में है, एक तो इसमें थ्री प्लस सिक्स नाइन, एक नाइन नाइन और नाइन, वन टू थ्री फोर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फोर अपॉन सेवन, क्योंकि टोटल सेवन केसेस हैं और उसमें फेवर में कितने, फोर, जिसमें ओड है सम, तो यहां पे भी फोर अपॉन सेवन गिवन है, इसका मतलब जो सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है, क्लियर। उसके बाद डी को भी चेक कर लेते हैं कि डी कैसा है, सी हमारा आंसर जो होगा इसमें वो हम सी पे टिक करेंगे, अगर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है तो सी करेक्ट आंसर होगा, बट डी ऑप्शन को भी हम इसी तरीके से सोल्व करके देख सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, आर इवन है, सम इवन लेना है, लेकिन फर्स्ट आउटकम को फोर से ज्यादा लेना है, ठीक। तो फर्स्ट आउटकम फोर से ज्यादा अगर ले तो क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट आउटकम अगर हम फोर से ज्यादा लें तो फाइव हो सकती है, ठीक है, या सिक्स हो सकती है। अब टोटल सम जो बनाना है हमें वो इवन बनाना है, तो फाइव प्लस वन इवन होता है ना सिक्स, तो फाइव वन हो सकता है, फाइव थ्री हो सकता है, फाइव फाइव हो सकता है, इवन सम, ठीक। और अगर सिक्स से स्टार्ट करते हैं इवन सम बनाने के लिए, तो सिक्स के साथ टू, और सिक्स के साथ फोर, और सिक्स के साथ सिक्स, कोई और केस तो बनेगा नहीं, फोर से बड़ा आपको फर्स्ट आउटकम लेना है और सम इवन लेना है, तो टोटल सिक्स केस बन रहे हैं ना, और अपॉन में 36 करेंगे तो इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, और यहां पे फाइव अपॉन 36 है, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है इसका मतलब, ठीक। सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर नाइन। ओके, सो नाउ इसको साइड में कर लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन को। ए एंड बी आर टू इवेंट्स, दो इवेंट हमें गिवन है ए और बी, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या क्या गिवन है, ए अकर्स मतलब पी ए इक्वल टू वन अपॉन थ्री, बी डज नॉट अकर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट अकर का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमें गिवन है एट अपॉन फिफ्टीन। अगर ये हमें गिवन है बी डज नॉट अकर की प्रोबेबिलिटी,
तो इससे प्रोबेबिलिटी की बी अकर, इसकी प्रोबेबिलिटी हम सीधा निकाल सकते हैं 1 - 8/15 मतलब 7/15, ये हम कंप्यूट कर सकते हैं सीधा, ठीक। नाउ प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट वन ऑफ देम अकर, प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट वन ऑफ देम अकर, ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4/5। अब देखो जब भी हमें एटमोस्ट वन ऑफ देम, जब टू इवेंट हो और हमसे पूछा जाए एटमोस्ट वन ऑफ देम अकर इसकी प्रोबेबिलिटी, तो एटमोस्ट वन ऑफ देम जो होता है वो होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अकर, बोथ ए एंड बी अकर, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको 1 - करेंगे तो एटमोस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो ये 4/5 है, मतलब 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोथ को कैसे लिखते हैं, ए एंड बी दोनों ट्रू होना चाहिए ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/5। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 1 - 4/5 मतलब 1/5। नाउ अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो आता है तो हम कहते हैं कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आ रही है तो हम कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक। तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये जीरो नहीं आ रहा है। दूसरा, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अब दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होती हैं, ए और बी, अगर हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी वी आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, और अगर इक्वल टू नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर डिपेंडेंट कहलाती है, ठीक। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो 1/5 है, अब पी ए इंटू पी वी कितना आएगा, PA into PV करोगे तो 7/45 है, इसके बराबर तो नहीं आ रहा है ना, तो इनके बीच में नॉट इक्वल टू का सिंबल लिखना पड़ेगा, इसका मतलब A और B डिपेंडेंट इवेंट है, तो B ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, क्लियर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी अकर, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर इज इक्वल टू एडिशन रूल का यूज करेंगे तो यह होता है PA प्लस PV और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको अगर हम कंप्यूट करें कितना आएगा, पी ए, पी ए कितना है 1/3 प्लस पी वी कितना है, पी वी इक्वल टू 7/15 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/5 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लिया 15 आ गया यहां पे एलसीएम, तो 5 प्लस 7 - 3, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 7 = 12 और -3 9/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा कितना आ रहा है 9/15, 9/15 को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं मैं ऊपर करके इसको 9/15 और इक्वल टू कैंसिल करके 3/5, ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो नीदर ए नॉर बी की कैसे लिखते हैं, अब मैं ये सारा यहां से डिलीट करने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नोर बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये रिप्रेजेंटेशन होता है नीदर ए नोर बी का, और इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये होता है, तो इक्वल टू 1 - 3/5 मतलब 2/5 इक्वल टू 2/5, सो जो सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है हमारा इस प्रॉब्लम में। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नोर बी कैसे निकलता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमने यहां पे एडिशन रूल से निकाला है जो 3/5 आया था, इसको 1 - माइनस कर दिया तो नीदर ए नोर बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5, क्लियर। अब अगर हमें सपोज कोई और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे एग्जैक्टली वन ऑफ देम की निकालनी है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम की कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी दोनों को एड कर दो तो आपको एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी की आ जाएगी, या ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ए और बी, उसमें से बोथ की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तब भी आपका एग्जैक्टली वन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक। तो अगर उसका भी आंसर हम निकाल के चेक करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा कितना आया 3/5, इस 3/5 में से अगर हम माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/5, तो इक्वल टू आएगा 2/5, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी भी 2/5 आएगी, जबकि ऑप्शन में कितना दिया हुआ 1/5, सो डी भी रॉन्ग आंसर है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10।
ओके सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करना है. सबसे पहले इसको मैं साइड कर देता हूं, ठीक है. एन अनफेयर कॉइन इज सच दैट हेड इज, यहां पे ऑन की जगह एन है, ठीक है, ये ए एन करना है इसको. अनफेयर कॉइन इज सच दैट एन हेड इज ट्वाइस लाइकली, ए हेड इज ट्वाइस लाइकली टू अकर एज ए टेल. तो देखो हेड या टेल दो पॉसिबिलिटी होती है ना जब हम कॉइन को टॉस करते हैं. तो यहां पे कहा जा रहा है कि हेड जो है वो ट्वाइस लाइकली टू अकर एज टेल, मतलब टेल के आने के चांस अगर एक्स हैं तो इसके हेड के आने के चांस कितने होंगे, 2x, डबल है. और दोनों का सम, दोनों कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिचुएशन है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1. तो 3x इक्वल टू 1, तो यहां से x इक्वल टू 1/3. तो मतलब प्रोबेबिलिटी दैट टेल अकर्स, टेल अकर्स इक्वल टू पीटी इक्वल टू कितना होगा, 1/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकर्स की कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू पीएच, ये डबल होगा, तो इक्वल टू 2/3. इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक. अब इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वाइन को 4 times टॉस किया हमने और कम से कम 2 हमें हेड चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक. तो देखो जब हम क्वाइन को टॉस करते हैं 4 times, क्लियर, तो उसमें सारी की सारी बर्नौली कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं और उस एग्जाम्पल को हम एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं. क्वाइन के ऊपर बेस क्वेश्चन बहुत सारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से होते हैं, ठीक है. तो यहां पे सपोज एन जो है हमारा वो तो गिवन है 4, एन इक्वल टू 4 trials. पहली बार टॉस किया उसको मैं 1 trial मान रहा हूं, दूसरी बार टॉस किया, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल, टोटल 4 फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक. लेट एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्स, कितनी बार हेड आएगा इन एन ट्रायल्स, इन एन का मतलब यहां पे 4 trials, ये जो 4 trials हैं टोटल, इनमें कितनी बार हेड आएगा, इसको मेरा रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है, यहां पे हमसे कहा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 heads, कम से कम 2 हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्स की वैल्यू कम से कम 2 होगी, मतलब 2 या 2 से ज्यादा होगी, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एक्स की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी ना, उन सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते हैं. तो या तो प्रोबेबिलिटी की एक्स इक्वल टू 2 है, प्लस प्रोबेबिलिटी की एक्स इक्वल टू 3 है, और प्लस प्रोबेबिलिटी की एक्स इक्वल टू 4 है, ये 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, ठीक. अब एक्स इक्वल टू 2 का मतलब 4 trials में से एग्जैक्टली 2 हमारा हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो बाइनोमियल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, उसके हिसाब से 4C2, और यहां पे P, P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 1 trial, जो कितना हमने निकाला था, 2/3, तो 2/3 की पावर 2, ये वाला नंबर. और Q का मतलब नॉट गेटिंग हेड, मतलब 1/3 की पावर 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है. प्लस X इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 में से 3 हेड आएगा, मतलब 4C3, और 2/3 की पावर ये वाला 3, और 1/3 की पावर 4 - 3 1, प्लस 4C4, 4 में से 4 हेड आएगा, 2/3 की पावर 4, और 1/3 की पावर 0. तो बाइनोमियल का कंसेप्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक. अब ये सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करके हम आंसर निकाल सकते हैं. पहले मैं राइट साइड को डिलीट कर रहा हूं, अभी इक्वल टू, अब 4C2 कितना होता है, 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 नीचे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 81, ओके. प्लस उसके बाद 4C3 कितना होता है, 4, और यहां पे 8, तो 32/81, और प्लस 4C4 कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 16/3 की पावर कितना हो जाएगा यहां पे, 481, ओके. तो इसको लिखेंगे 24 प्लस 32 और प्लस 16/81 इक्वल टू 72/, इसको एक बार क्रॉस चेक करना है आपको, 81 इक्वल टू 8/9. तो
एट अपॉन नाइन मतलब बी, तो यहां पे बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक करनी है कोई गलती ना हो, बी अपॉन नाइन, ये बी अप एट अपॉन नाइन यहां पे है ऑप्शन में, ठीक है इसको नोट कर लेना। कैलकुलेशन आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है, कहीं पे कोई मिस्टेक लगती है उसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जाम के लिए, सॉल्व किए हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।